ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶುಭಾ ಹತ್ತಳ್ಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಟವಾಡಿ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿ 35 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಯದೇವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಗಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾ ಸರ್ಫರಾಜ್ ರವರ ವರದಿ. उसको बोला मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मैं केसेस करता बोल के बताया. फिर मैं कल ड्यूटी से आ रहा था उसमें, और उसका गांव पे से जाता मैं, आने के टाइम मैं मिला वो बात करें, वो क्या क्या करे क्या नहीं, वो कुछ भी नहीं करना ऐसा ऐसा बोल के मुझे ऐसा बताया. मैं बोला ठीक है, एक 10 मिनट ठहरो, हमारा भाई को बुला के आता बोल के. हमारा भाई और मैं दोनों गया. दोनों जाने के बाद हमारा दोनों को मार दिया. मुझे ज़्यादा मारा, हमारा भाई को थोड़ा कम मारा सर. फिर बाद में वो रात में मुझे एक के छोड़ के हमारा भाई गया था. फिर बाद में मुझे बोलता है तो अभी कुछ भी नहीं कर सकता, केस भी कर क्या लोडा भी कर, एमएलए एमपी हमारा है तो टेंशन मत ले, तो जा बोल के. फिर बाद में पुलिस आके मुझे छुड़ा के आया सर. नमस्ते सर, मेरा नाम सुधाकर है. कल मेरा भाई को उमेश यादव लोग बहुत मार पीटे सोए, वो मिर्ची डाल के वो रस्सी से झाड़ को बांध के ऐसा बहुत पीटे से. वो क्यों पीटा हो बोले तो हम एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन कांग्रेस में घूमे था, और वो लोग दूसरा रीजन लगा के उसको उठा के लेके गए उसकी तांडे में, उसको बहुत मारा. और मेरे को रात को करीबन 12 बजे को मेरे को पता चल गया. उधर मेरा भाई गया था, मेरे भाई को भेजा था मैं, वो मेरा भाई उधर छुड़ा के लेके आना गया तो मेरा भाई को भी बहुत मारा सर. वो मेरा भाई वो डर के भाग के आया गाँव, वो उसको उधर ही मेरा भाई को छोटा अनिल भाई को उधर ही छोड़ के. फिर मेरे को फ़ोन लगा, मैं उधर जाए तो क्या भी फायदा नहीं बोल के. मैं एक मेरा काली सर्कल में एक गुड्डा यू ओपीडी है उसको हम फोन लगाया सर, ऐसा मेरा भाई को उधर पकड़ के बांध के मारे, आप जाओ छुड़ा के लेके. वो मेरा पुलिस स्टेशन लोग उधर जाके छुड़ा के लेके सर. छुड़ा के लेके आने के बाद हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा भाई वो सब लेके आए इधर. लेके आने के बाद मेरा भाई को पूछा और कितना आदमी था, वो मैं पूछा, वो बोला मैं करीबन लेडीज जेंट्स मिलके मिनिमम 25-30 आदमी था. और उस किस कैसे मारा बोले तो एक औरत के हाथ में कुड़ली रहता, एक लड़के के हाथ में डंडा रहता था, एक वो माणिक बोल के उसके हाथ में, और वो लांग भी था, और उसका भाई उसका बेटा है एक, उसका नाम मेरे को मालूम है, और दूसरा सामान है उसके पास. फिर भी उसको जान की धमकी दिया, अभी भी आप आज रहता कल भी नहीं रहता मालूम नहीं, आपको कैसा भी निकालता. आपका छोटा भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई है. ये क्यों मारे बोले तो वो ऐसा बोल के मार रखे थे, बोले तो तुम्हारा भाई लोग सब गुलबर्गा में भी कांग्रेस में घूमे है, इधर चुनचोली में कांग्रेस में है, और मेरा गांव में आके कैसे बातचीत किया हमारे को बिना पूछ के. उमेश यादव के लोग मारे? हाँ, उमेश लोग को ज्यादा लोग मारा, और हम उसको बिना पूछ के भी नहीं गया, हम उसको पूछ के गए था ठांडे में, और रात को भी गया था ऐसा सुबह से रोड को ओढ़ डालो, इधर भी खरगे को ओढ़ डालो बोल के. फिर भी वो लोग बहुत मारे सोए मेरे भाई को ऐसा बोल के. और उसमें एक वकील है उसका, और माणिक का भाई का लड़का रवि बोल के, वो वकील से तुरु से उसका आइडिया लेके उसको कैसा मारना बहुत मारे सर अनिल को. हमारे को रात को पता चला गया तो पुलिस लोग छोड़ के मेरे को मेरा भाई को बचा सा है, अभी भी उसको जान को खतरा है. वो कितना लोग मारे उसको सबको अरेस्ट करने का. आपका डिमांड? हाँ, अपना डिमांड है. वो रवि वकील बोल रहे ना, वो बहुत वकीलत नहीं करे, वो ऐसा बहुत झगड़ा लग रहे हो वकील होके, उसका दिमाग से ये लोग सबको मारे. वो अभी भी बहुत धमकी है हमारा गांव को, और सबको अरेस्ट करने का सर. उसको पहले नंबर वन वही है, ये लोग क्या भी नहीं, वो लोग ये रवि का बात से ये लोग उसको मारे सोए. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂದು
ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.